कक्षा छह विषय सामाजिक अध्ययन नागरिक शास्त्र पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ एक पाठ का नाम विविधता की समझ हमारी इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे बच्चों मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान होगी इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं वे ना केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं बच्चों उनके धर्म रहन सहन खान पान भाषा और त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं बच्चों यह सब भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है बच्चों इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है और भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना बच्चों आपकी पुस्तक में तीन चित्र बने हैं और एक बॉक्स खाली है उसमें आपका अपना बनाया हुआ चित्र भरना है तो बच्चों आपने देखा होगा कि तीनों बच्चों के बनाए हुए चित्र एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते तो बच्चों आप जो चित्र बनाओगे वह भी तीनों चित्रों से भिन्न होगा ऐसा इसलिए है कि आप सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है बच्चों जिस तरह हमारे चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रूप रंग खान पान आदि में भी भिन्नता है बच्चों अब हम एक खेल खेलेंगे जिसमें आप सब बच्चों को यह बताना है कि बाहर जाते समय आप क्या पहनना पसंद करते हो आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हो आपका पसंदीदा खेल कौन सा है आपको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है बच्चों आपकी ही कक्षा की एक लड़की जिसका नाम पायल है वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताती है और कहती है बाहर जाते समय मुझे जींस और टी शर्ट पहनना पसंद है मैं घर में हिंदी में बात करती हूँ क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है मेरा पसंदीदा खेल हॉकी है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है मुझे इतिहास के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि सबके जवाब एक जैसे नहीं हैं किसी को घर पर पंजाबी इंग्लिश मराठी किसी को क्रिकेट फुटबॉल पसंद है कई बच्चों को अलग अलग किताबें पढ़ना पसंद है क्योंकि सबकी रुचि एक जैसी नहीं होती बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि कई बच्चों के जवाब आपस आप में मिलते जुलते होंगे बच्चों इससे हमें यह अंदाज़ा हो गया कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं बच्चों अब हम एक कहानी पढ़ेंगे इसमें दो लड़कों की बात की गई है एक छोटा लड़का है जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और लाल बत्ती के चौराहे पर हिंदी और अंग्रेजी में उस दिन की सुर्खियों को चिल्लाकर अखबार बेचता है दूसरा बच्चा अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा होता है और पहला बच्चा दूसरे बच्चे के पीछे अंग्रेजी का अखबार लहराते हुए भागता है दूसरा बच्चा पहले बच्चे से हिंदी का अखबार मांगता है तो पहले बच्चे को आश्चर्य हुआ और बोलता है कि आपको हिंदी आती है दिखने में तो आप अंग्रेज लगते हो पहला बच्चा बोलता है इसका मतलब आप हिंदी पढ़ सकते हो इस पर दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ वह बोलता है मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ बोल सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ मैंने दूसरे विषय के साथ हिंदी पढ़ी है इस पर पहला बच्चा विषय के बारे में पूछता है तो वह बोलता है यह पढ़ाई लिखाई से संबंधित है इस पर दूसरा बच्चा पहले बच्चे से पूछता है कि तुम कभी स्कूल गए हो वह कहता है कभी नहीं वह बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं अपनी माँ के साथ अखबार बेचता था पर आजकल यह सब अकेला ही कर लेता हूँ दूसरा बच्चा बोलता है कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है इतने में बच्चों चौराहे पर हरी बत्ती हो जाती है तो पहला बच्चा पीछे जोर से चिल्लाता है कि उसकी माँ मेरठ में है अगले दिन पहला बच्चा अपना नाम समीर बताता है और दूसरे बच्चे का नाम पूछता है तो बच्चों उसका नाम भी समीर होता है और वह दोनों मुस्कुराते हैं इस पर दूसरा समीर बोलता है कि तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है समीर का अर्थ होता है हवा या पवन पवन पुत्र कौन है जानते हो हनुमान तो इस पर पहला बच्चा बोलता है कि अब से आप समीर एक और मैं समीर दो इस पर समीर एक अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है चलो हाथ मिलाओ समीर दो अगले दिन बच्चों समीर दो के चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान नहीं थी वह बताता है कि मेरठ में गड़बड़ हो गई है वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं समीर एक मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखता है उसमें लिखा था सांप्रदायिक दंगे समीर दो बोलता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं और उसकी आंखें भर आई अगले दिन बच्चों समीर एक को समीर दो नहीं दिखा ना उससे अगले दिन फिर कभी भी उसे वहाँ समीर नहीं दिखा बच्चों इस कहानी में जो पढ़ा वह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है बच्चों गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं बच्चों इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है बच्चों यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है बच्चों जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया बच्चों अब कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर दो प्रश्न एक समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर बताओ बहुत अच्छे एक बच्चे ने बताया समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी वहीं समीर दो हिंदी बोलता है एक और बच्चे ने बताया समीर एक और दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमिया भी अलग हैं। समीर एक हिंदू है और समीर दो मुसलमान खान पान पहनावा धर्म भाषा आदि विविधता का रूप है बहुत अच्छे एक बच्चे ने बताया समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की और समीर दो कभी स्कूल गया ही नहीं वह अखबार बेचता था तो बच्चों जो अंतर आपने बताए उनमें से कौन कौन से अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए क्या बता सकते हैं आप सोचिए बहुत अच्छे एक बच्चे ने उत्तर दिया दोनों की भाषाएं अलग थी फिर भी दोनों ने एक दूसरे से बात की क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था दोनों की धार्मिक वह सांस्कृतिक पृष्ठभूमिया भी अलग थी फिर भी दोनों ने दोस्ती की क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे इस प्रकार ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से नहीं रोक पाए अगला प्रश्न है उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हों बताइए बहुत अच्छे आपने बताया समीर एक त्यौहार मनाता है होली दीपावली दुर्गा पूजा दशहरा रक्षाबंधन समीर दो त्योहार मनाता है ईद मुहर्रम बकर आपने ये कैसे जाना कि वो कौन से त्यौहार मनाते होंगे बताइए बहुत बढ़िया आपने बताया कि समीर एक हिंदू है और समीर दो मुसलमान तो आपने उनके अनुसार उनके त्योहार बताए अगला प्रश्न है समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या वह जा पाता क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते सोचो और बताओ बहुत अच्छे आपने बताया समीर दो गरीब होने के कारण स्कूल नहीं जा पाया इसलिए वह छोटी उम्र में ही अखबार बेचने का काम करने लगा वह स्कूल जाना चाहता तो भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास अवसर नहीं थे और ना ही संसाधन थे हाँ यह बात सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चों बंटवारे का आधार है कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे मान लो कोई बच्चा कुम्हार के घर पैदा होता है तो उसकी जाति कुम्हार ही होती है वह वही बन सकता है कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था बच्चों इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था इससे गैर बराबरी पैदा हुई अब हम पढ़ेंगे विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है बच्चों आप सबने भी अपनी जिंदगी में बहुत दोस्त बनाए होंगे बच्चों आपने उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी आपको शायद तरह तरह के जानवरों रानियों साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी बच्चों जो भी लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों किताबों वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं बच्चों भारत विविधताओं का देश है हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न धर्मों का पालन करते हैं वास्तव में बच्चों हम एक ही तरह की चीजें करते हैं केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विविधता को कैसे समझा जा सकता है। बच्चों, करीब दो सवा दो वर्ष पहले जब रेल हवाई जहाज बस और कार हमारे जीवन में नहीं थे तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे बच्चों वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर या पैदल जाते थे अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी यात्रा में बहुत समय लगता था इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे बच्चों लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था कुछ चीजें जैसे उनकी भाषा भोजन संगीत धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण करते थे उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती इसी प्रकार बच्चों लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं उससे भी विविधता उत्पन्न होती है बच्चों हम बात करें उन लोगों की जो समुद्र के किनारे और जो पहाड़ों में रहते हैं उनके ना केवल कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे अब हम भारत के दो भागों लद्दाख और केरल की बात करेंगे जिसके जरिए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है आइए जाने लद्दाख के विषय में बच्चों लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है यहाँ पर बहुत कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं बच्चों यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं मुख्यतः है कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन पनीर एवं मांस खाते हैं हरेक परिवार के पास कुछ गायें बकरी और याक होते हैं बच्चों यहाँ पर कुछ घाटियाँ ऐसी हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उसी इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं यह काफिले अपने साथ मसाले कच्चा रेशम दरिया आदि लेकर चलते थे बच्चों लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं करीब 400 साल पहले यहां पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहां अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं बच्चों लद्दाख में गाना और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग जानते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं बच्चों केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से बच्चों इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च लौंग इलायची आदि उगाए जाते हैं इन्हीं मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है और अब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए बच्चों वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिनमें यहूदी इस्लाम ईसाई हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है चीन के व्यापारी भी केरल आए यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं उन्हें चीना वाला कहते हैं तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसे चीना चट्टी कहते हैं इनमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी बच्चों केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली सब्जी और चावल खाते हैं बच्चों केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता बच्चों जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं बच्चों दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा बच्चों अब हम बात करेंगे विविधता में एकता की भारत की विविधता या एकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग प्रदेशों के लोग शामिल थे उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया इकट्ठे जेल गए अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया अंग्रेजों ने सोचा था कि वह भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा बच्चों मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही अलग हों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक साथ थे दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना गोली खा के सोए जलिया बाग में हम गोली खा के सोए जलिया बाग में हम सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना खून के हमारे प्यारे न भूल जाना बच्चों यह गीत अमृतसर में हुए जलिया वाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे बच्चों महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एवं सिख के कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे उसमें से बहुत लोगों की जाने गई और उससे भी ज्यादा घायल हुए यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से छुपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपना उत्तर दीजिए पहला प्रश्न लद्दाख के बारे में कौन सा कथन सत्य है विकल्प है पहला लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा दूसरा लद्दाख में अच्छी खेती होती है तीसरा लद्दाख में भारी बारिश होती है तो सही विकल्प चुनिए। हम्म बहुत अच्छे शाबाश आपने उत्तर दिया लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा बिल्कुल सही मेरा अगला प्रश्न है लद्दाख के लोग पानी पीने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं विकल्प है पहला टैंकर का पानी दूसरा बारिश का पानी तीसरा बर्फ से पिघलने वाला पानी तो बच्चों बताइए बहुत अच्छे अगला प्रश्न है मुख्य पश्मीना कहाँ बुनी जाती है विकल्प हैं कश्मीर बिहार केरल तिब्बत तो बताइए सही उत्तर क्या है शाबाश बहुत अच्छे आपने सही उत्तर दिया कश्मीर अगला प्रश्न है लद्दाख को विकल्प तिब्बत भी कहते हैं छोटा तिब्बत भी कहते हैं सिर्फ लद्दाख के नाम से जानते हैं सही विकल्प चुनिए बताइए शाबाश आपने बताया इसे छोटा तिब्बत कहते हैं अगला प्रश्न है तिब्बत के ग्रंथ का क्या नाम है तिब्बत के ग्रंथ का क्या नाम है विकल्प हैं केसर सागा सागा केसर सागा चुनिए सही विकल्प और बताइए बहुत अच्छे आपका उत्तर सही है केसर सागा आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं केरल में सबसे पहले कौन आए विकल्प हैं फारसी और अरबी क्रिश्चियन और यहूदी पारसी और यहूदी अरबी और यहूदी सही विकल्प चुनिए बहुत अच्छे सही विकल्प है अरबी और यहूदी अगला प्रश्न ईसा मसीह के धर्मदूत कौन थे संत मॉर्गन संत जॉनसन संत थॉमस इनमें से कोई नहीं तो सही विकल्प बहुत अच्छे सही विकल्प है संत थॉमस अगला प्रश्न है केरल में मछली जाल को क्या कहते हैं विकल्प है जाल मछली जाल चीनावाला सही उत्तर ढूंढिए बहुत अच्छे चीना वाला अगला प्रश्न है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी विकल्प है महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू रविंद्रनाथ टैगोर आपका उत्तर सही है जवाहरलाल नेहरू आखिरी प्रश्न पश्मीना ऊन किससे मिलता है विकल्प हैं, खास किस्म की बकरी से लद्दाख से भेड़ से बहुत अच्छे इसका सही उत्तर है खास किस्म की बकरी से तो बच्चों आज हमने विविधता की समझ के अंतर्गत अपने देश की विविधता के बारे में जाना समझा आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली कक्षा में